मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जैन ने अपना केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की है। अभी उनके केस की सुनवाई स्पेशल जज विकास ढुल कर रहे हैं। जैन की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी के नेता जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में हैं। उन पर शेल कंपनियां बनाकर इसके जरिए 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करने का आरोप है। उनकी पत्नी पूनम और अन्य लोग भी इस मामले में आरोपी है। सत्येंद्र जैन इससे पहले भी अपने केस के जज बदलने को लेकर याचिका लगा चुके हैं। तब उनके केस की सुनवाई स्पेशल जज गीतांजलि गोयल कर रही थी। जैन की याचिका पर सितंबर 2022 में सुनवाई हुई, तब उनका केस जज विकास ढुल को दे दिया गया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि जैन अपना केस विकास ढुल के पास क्यों ट्रांसफर करवाना चाहते थे। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका 6 अप्रैल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। दरअसल कोर्ट ने 22 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें बेल दी जाती है तो इससे जांच पर असर पड़ सकता है। जैन प्रभावशाली हैं, वे सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।